like a bell cut. Hey guys, welcome back to my channel चन्नी Health Expert. आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा अस्थमा. अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो लेडीज, जेंट्स और छोटे बच्चों में भी पाई जाती है. अस्थमा के पेशेंट के पास आपने अक्सर इनहेलर देखा होगा जिसका वो यूज करते रहते हैं. तो अस्थमा ये जो प्रॉब्लम है जहाँ हम जब सांस लेते हैं तो हमारी जो श्वसन नलिका होती है जो फेफड़ों से अटैच होती है उसमें हम जितना चाहे उतना ऑक्सीजन हम जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना नहीं हम कंज्यूम कर पाते, जिस वजह से हमें बहुत तकलीफें होने लगती है. और इन तकलीफों की वजह से डॉक्टर हमें बहुत सी मेडिकेशन करते हैं. इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा देता है वो है इनहेलर देता है. लेकिन आज हम जानेंगे अस्थमा के लिए हम कुछ होम रेमेडीज करेंगे जो आप जरूर ट्राई करें. सबसे पहले हमें करना यह है कि 30 ml दूध में लहसुन की 5-6 कलियां उबाल लेनी है और ये दूध हमें दिन में हर रोज एक बार तो भी कंपल्सरी ड्रिंक करना ही है. सेकंड जो हम करेंगे अस्थमा के लिए, अजवाइन जो है पानी में उबाल कर उस पानी की भाप लेनी है. इससे अस्थमा जड़ से इलाज होने में बहुत अच्छे बेनिफिट होंगे. तीसरा जो है हमें कच्चे प्याज का यूज करना है. कच्चे प्याज खाने में बढ़ाना है और इसमें मौजूद सल्फर फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, इसलिए ये जरूर यूज कीजिए. उसके बाद होते हैं सूखे अंजीर. सूखे अंजीर जो है कफ को जमने से भी रोकते हैं और हमें इन्हें रात भर गर्म पानी में रखना है और भिगो देना है. मॉर्निंग में हमें खाली पेटी से खा लेना है. इससे जो बलगम है वो भी शरीर के बाहर निकलने में बहुत अच्छे फायदे हमें होंगे. तो अस्थमा के लिए ये रिलीफ डोसेस बहुत अच्छा फायदा करेगा. इसके बाद लेना है कुछ मेथी दाने एक गिलास पानी में उबाल कर उन्हें एक तिहाई कर लेना है. उस पानी में शहद और अदरक मिला के ये रस हमें दिन में 2 बार सुबह शाम लेना होता है. और छठा जो है वो है आंवला. आंवला अगर आप लेते हो हर रोज एक भी आंवला खाते हो या फिर आंवला पाउडर भी लेते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे. तो ये जो है हो गई अस्थमा की होम रेमेडीज. इसमें से कम 2 रेमेडीज आपको जरूर ट्राई करनी है तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. कम से कम 1 महीना आपको कंटिन्यू करना ही होगा, एक दिन में फायदा नहीं होगा. और वीडियो अगर आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को.